हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चना दाल के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे, एकदम जो हलवाई वाले मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, वैसा इनका टेस्ट आने वाला है। बहुत आसान रेसिपी है ये, देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितने डिलीशियस दिख रहे हैं ये देखने में जितने टेस्टी हैं, खाने में ये उससे भी ज्यादा मजेदार है। तो आपके घर में कोई भी पूजा हो या त्योहार हो, आप इन लड्डुओं को जरूर से बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए चना दाल, तो ये मैंने एक कप चना दाल ले ली है। अगर आप कटोरी से नाप कर ले रहे हैं तो आप एक कटोरी चना दाल ले लें। अब हम इसे एक बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और फिर इसे भिगोकर 4 से 5 घंटे तक पानी में सोख होने देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद ये देखिए अच्छे से फूल गई है, इसका पानी मैंने अलग कर दिया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसे पीसते टाइम हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, इसमें अभी हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, अगर आप चाहें तो उसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इस दाल के पेस्ट में से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे, उसे थोड़ा प्रेस कर देंगे और इस तरीके से इसकी बढ़िया बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इस रेसिपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जब हम इस दाल की बड़ियों को फ्राई करते हैं तो ये लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना चाहिए, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक पक जाए, क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि अगर ये अंदर तक पकेंगे नहीं, अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी, तो जो लड्डू हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसे बैचेस में हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप ऑयल या घी को मिक्स करके ले सकते हैं या फिर आप इसे सिर्फ घी में भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। जो दाल की बढ़िया है इसका अच्छे से फ्राई होना बहुत जरूरी है। अगर ये अंदर से थोड़ी सी भी कच्ची रहेंगी तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अंदर तक पक गई है, एकदम क्रिस्पी है। तो ये हमारी बढ़िया ठंडी हो गई है। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे कोर्सली पीस लेंगे। इसे देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है, कितना दानेदार सा टेक्सचर आया है इसका। इससे जो हमारे लड्डू बनेंगे वो एकदम दानेदार बनेंगे। इसे एक तरफ रख देते हैं और अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1 कप चीनी और फिर इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। अगर आपने दाल कटोरी से नाप कर ली है तो आप यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाल दें और इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड कर दें। अब हम चीनी को अच्छे से घुलने देंगे, फिर इसमें डाल देंगे 3 हरी इलायची। इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं लेनी है, बस जब ये हल्की सी चिपचिपी और गाढ़ी हो जाएगी तो बस हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ फूड कलर ना डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 चुटकी केसर भी डाल सकते हैं। तो आप 10 से 12 केसर के धागे डाल दें, उससे भी लड्डू में अच्छा कलर आ जाएगा। अब जिस कढ़ाई में हमने बड़ियों को फ्राई किया था उसमें ये दाल का मिक्सचर डाल देंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है फ्रेंड्स, और जो लड्डू बनते हैं वो एकदम हलवाई के जैसे बनते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आप किसी भी पूजा के लिए या फिर किसी भी त्योहार के लिए इनको बना सकते हैं। अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पर 1/2 से 1 मिनट तक पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, मैक्सिमम आप इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर ले। बस 1 मिनट के बाद हम इस सारे मिक्सचर को जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डाल देंगे। तो केयरफुली ये सारा मिक्सचर चाशनी में डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर हल्के हल्के पकने देंगे। बहुत हाई हमें फ्लेम को नहीं करना है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट के बाद बस हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हल्का ठंडा होने देंगे, इसे इस तरीके से फैला देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसमें डाल देंगे ये 1 बड़ा चम्मच मगज के बीज।
इसी के साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता भी ऐड कर दिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो जो मिक्सचर है ये हल्का ठंडा हो गया है, तो हमें इसे इतना ठंडा करना है कि जब हम इसको हाथ से लड्डू बनाएं तो हमारा हाथ इसकी गर्मी को सह पाए, हमें ज्यादा गर्म ना लगे। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इस तरीके से इसके लड्डू बना लेंगे। तो छोटे और बड़े जिस भी साइज के लड्डू आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है, ये कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब भी आपके घर में कोई भी पूजा हो, कोई त्योहार हो, तो आप इन लड्डुओं को एक बार जरूर से बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और एकदम परफेक्ट, बिल्कुल हलवाई के जैसे लड्डू बनते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, आप भी एक बार इन लड्डुओं को जरूर से घर पे बना के ट्राई करें और आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर watching.